एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब ईएनटी और स्किन स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवा शुरू। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान बिलासपुर में घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान बिलासपुर सदर ब्लॉक में करीब 40 मामले सामने आए हैं। हालांकि इनमें से 33 मामलों को काउंसलिंग के माध्यम से सुलझा लिया गया है, जबकि अन्य मामलों को निपटारे के लिए कोर्ट में भेज दिया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर बिलासपुर नीलम टाडू ने बताया है कि लॉकडाउन में अप्रैल से लेकर जून माह तक घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि रूटीन में महीने में 5-7 मामले ही सामने आया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यह आंकड़ा बढ़ गया है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत लॉकडाउन के अंतर्गत हमारे काफी केसेस आए, जैसे 40 हमारे पास 40 केसेस इधर सदर ब्लॉक में प्राप्त हुए, जिसमें हमने लॉकडाउन में भी घर में इनसे उन जो आपके पीड़ित परिवार थे तो उन दोनों से काउंसलिंग के द्वारा हमारे जो सुपरवाइज़र है इनको प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया गया है। तो इन्होंने काफ़ी हद तक मामलों को सुलझाने के लिए बातचीत के दौरान दोनों पार्टीज़ को सेटिस्फाइड करवाया और 33 मामले जो हमारे काउंसलिंग के द्वारा सुलझे हैं और कुछ मामले जो है कोर्ट में जाने के लिए वो बोलते हैं हमारा डिसीजन जो कोर्ट के थ्रू ही करवाया जाए, तो उनको अभी हमारे प्रोसेस में है, उनको आगे जैसे ही कोर्ट खुलते हैं तो उनको आगे भेजा जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब मरीजों को ईएनटी स्किन स्पेशलिस्ट के अलावा निजी क्षेत्र में पैथोलॉजी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा, उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा हाईटेक ओटी, स्पेशल वार्ड, एसी रूम, हाईटेक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल। इससे पहले एनआर अस्पताल में सर्जरी एवं न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, चाइल्ड, आई, गायनी, हियरिंग एड व टेस्ट के अलावा फिजियोथेरेपी सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें